हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं थर्ड आई। तो कैसे आप लोग, क्या आपको पता है कि उड़ते हुए प्लेन से करोड़ों का तेल क्यों फेंक दिया जाता है? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो ऐसा कुछ भी सोचने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और भाई होने के नाते हमारे इस चैनल को आगे भी शेयर कीजिए प्लीज, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है उड़ते हुए प्लेन से करोड़ों रुपए का तेल क्यों फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे मेन कारण है वो होता है प्लेन के वेट को कम करना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर प्लेन के वेट को कम ही करना है तो उसमें ज़्यादा तेल भरते ही क्यों है? तो दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि हर एक प्लेन का एक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और एक मैक्सिमम लैंडिंग वेट अलग अलग होता है। मतलब किसी भी प्लेन को उड़ने के लिए या लैंड करने के लिए जो अधिकतम उसका टेक ऑफ और लैंडिंग वेट होना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए किसी प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 500 किलो है, तो खाली प्लेन, यात्रियों और सामान का वेट तथा तेल के वेट को मिलाकर जो टोटल वेट आता है वो है 500 किलो से कम होना चाहिए, तभी प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होगा। ऐसा ही लैंडिंग में भी होता है। हर प्लेन का मैक्सिमम लैंडिंग वेट प्लेन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम होता है, यानी लैंडिंग वेट हमेशा ही कम होता है। अब इन सबको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और इस प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 500 किलो है और लैंडिंग वेट 300 किलो है, यानी टेक ऑफ और लैंडिंग वेट के टाइम प्लेन का वेट मैक्सिमम वेट लेवल के कम ही होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए इतना कम ले रहा हूँ, नहीं तो यह वेट लाखों किलोग्राम में होते हैं। तो माना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाली जो प्लेन है, खाली प्लेन का वेट 200 किलो है और उसमें बैठे यात्रियों का वेट 50 किलो, और इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए 100 लीटर फ्यूल भी भरा जाता है। तो इस हिसाब से अब जो प्लेन का टोटल वेट है वह है 350 किलो, जो कि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम है। तो इस कंडीशन में प्लेन बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ कर सकती है, यानी उड़ सकती है। अब माना प्लेन को बी तक जाने में 70 मिनट लगते हैं और हर एक मिनट में 1 लीटर तेल की खपत होती है। तो जब वह पॉइंट बी पर लैंड करता है तो खाली प्लेन का वेट 200 किलो प्लस उसमें बैठे यात्रियों का वेट 50 किलो और खपत के बाद बचा हुआ फ्यूल 30 लीटर है। तो अब प्लेन का जो टोटल वेट होता है वह है 200 प्लस 50 प्लस 30 लीटर तेल, यानी 280 किलो, जो कि इसके मैक्सिमम लैंडिंग वेट से काफ़ी कम है। तो इस पॉइंट बी पर प्लेन आसानी से बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाएगा। पर माना कि चलते हुए फ्लाइट को अभी सिर्फ 20 ही मिनट हुए और फ्लाइट में कोई परेशानी आ गई, जैसे यह परेशानी कुछ भी हो सकती है, जैसे फ्लाइट में कोई ख़राबी आ जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस आ जाना, जिसके चलते फ्लाइट को बीच में किसी एयरपोर्ट या पॉइंट सी पर लैंड कराना पड़ेगा। तो इस समय जो प्लेन सिर्फ 20 मिनट चलने के कारण सिर्फ 20 लीटर तेल की ही खपत हुई, क्योंकि प्लेन हर मिनट में सिर्फ 1 लीटर तेल की ही खपत करता है। तो खाली प्लेन का वेट 200 किलो और यात्री का वेट 50 किलो तथा बचा हुआ तेल जो कि 80 लीटर है, तो टोटल वेट हो गया 330 किलो, जो कि इसके मैक्सिमम लैंडिंग वेट से 30 किलो ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में पायलट को प्लेन के वेट को कम करना पड़ता है। तो इसके लिए वह यात्रियों को या यात्रियों के सामान को तो नहीं फेंक सकता ना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। सॉरी दोस्तों, ये तो रही मजाक की बात। तो वेट को कम करने के लिए वह हवा में ही फ्यूल निकालना शुरू कर देता है और इस सिचुएशन को फ्यूल डंपिंग कहा जाता है। ऐसे तो यह बहुत कम होता है और होता भी है तो अधिकतर इंटरनेशनल फ्लाइट में ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण से पूरा समझ गए होंगे कि उड़ते हुए फ्लाइट से तेल क्यों निकाला जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, इट्स टाइम टू साइन आउट।